हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल लाइटरूम एडिटिंग के बारे में। जी हाँ गाइज, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको फुल एडिटिंग की समझ आ सके, आप हर एक चीज़ अच्छे से समझ सकें। जी हाँ गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी एडिटिंग की समझ आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं पिक सिलेक्ट करता हूं जो उनसे पिक्चर मैंने एडिट करनी है। ये मैंने पिक एक सिलेक्ट कर ली है, इसे लाइटों में इंपोर्ट भी कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइट्स को सेट करेंगे, हम इसके एक्सपोजर को कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को हम जहाँ पर तस्वीर सही लगे आप वहाँ पर इसे सेट कर दें, आप हाईलाइट्स को कम करें। एंड मैं आपको कहूँगा कि अब शेडो को ज़्यादा किया करें। आप देख सकते हैं तस्वीर में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। हम ब्लैक को भी कम करेंगे और वाइट्स को भी कम कर देंगे। जी हाँ गाइज, उसके बाद हमारी आती है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग एक बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं हमने कलर ग्रेडिंग के साथ काफ़ी चेंजेस कर ली हैं। आपने ये टेम्परेचर, टेंट, वाइब्रेंस जहाँ पे आपको सेट लगे आपने इसे सेट कर लेना है। गाइज, मेरी वीडियो को एंड तक देखें, फिर ही आपको अच्छे से समझ आ सकेगी तस्वीर कैसे एडिट करते हैं। तो गाइज, अब हम जाते हैं मिक्स में। मिक्स में हम सारे कलर्स को अलग-अलग अलग-अलग एडिट करेंगे और हर कलर को अलग-अलग अलग-अलग सेट करेंगे ताकि हमारी एक काफ़ी अच्छी नज़र आए, काफ़ी अच्छी लुक निकले तस्वीर की। अब मैं रेड कलर सेट कर रहा हूँ। इसके बाद आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर हमारी स्किन का कलर हो सकता है, बल्कि आप देखें मेरे फेस पे काफ़ी वाइडनेस आ गई है ऑरेंज कलर ज़्यादा करने से। आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपने इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखना है। उसके बाद हम जाते हैं येलो कलर में। आप देख सकते हैं येलो कलर, हम येलो कलर को सेट करेंगे। जहाँ पे हमको तस्वीर की कलर ग्रेडिंग अच्छी नज़र आएगी हम वहाँ पे येलो कलर को सेट कर देंगे। जी हाँ गाइज, आप देख सकते हैं कि हमने इसको सेट कर लिया है येलो कलर को। उसके बाद काफ़ी सारे कलर जैसे ग्रीन कलर है, हम ग्रीन को सेट कर रहे हैं। उसके बाद स्काई ब्लू, ब्लू कलर, हम हर कलर की कलर ग्रेडिंग करेंगे तस्वीर में और तस्वीर को सेट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अब ब्लू कलर छेड़ रहा हूँ, मेरे स्काई में चेंजेस आ रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारी तस्वीर में ब्लू कलर है वहाँ वहाँ चेंजेस आ रहे हैं। गाइज, वीडियो को एंड तक देखें और आपको मेरी बात आई होप समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी एडिटिंग पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। उसके बाद हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग में। मिक्स का जहां ग्रेडिंग लिखा है वहां पे क्लिक करेंगे। हम ल्यूमिनेंस को अपने हिसाब से सेट करेंगे और ब्लेंडिंग को भी अपने हिसाब के साथ सेट करेंगे। आगे जाते हैं सेकंड सर्कल पे। सेकंड सर्कल को भी हम जहाँ पे हमारा दिल करेगा, जहाँ पे हम तस्वीर को अच्छी लुक दे सकते हैं वहाँ पे उसे सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं। और गाइज, एक चीज़ जो हम देख सकते हैं कि जो हमारे स्काई में ये फटी फटी सी तस्वीर आ सकी है, कलर मिक्स हो गया, मैं ये भी आपको आज सेट करना बताऊँगा। तो इस तरह हम हर डॉट को सेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं डिटेल्स। आप देख सकते हैं शार्पनिंग, इससे हम तस्वीर में ज़्यादा एक्स्ट्रा शार्पनेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि वो जो पीछे हमारी कलर्स आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ मैं टच कर रहा हूँ वहाँ पे रेड रेड कलर शो हो रहा है। आपने नॉइस रिडक्शन को ज़्यादा कर देना है, डिटेल को भी ज़्यादा कर देना है, कलर नॉइस रिडक्शन को भी ज़्यादा कर देना है, डिटेल एंड स्मूथनेस को भी ज़्यादा कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पीछे कलर पहला था वो सेट हो चुका है। जी हाँ गाइज, आप अभी भी देख सकते हैं हमारी तस्वीर में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं हमारी कलर में। जो हमारी जो बैकग्राउंड में लेंस करेक्शन नहीं था, मींस कि हमारी तस्वीर फटी फटी आ रही थी, रेड कलर आ रहा था वो सामने बिल्डिंग के साथ, वो सेट हो चुका है। हमने नॉइस रिडक्शन को ज़्यादा किया, वो सेट हो चुका है। अब आते हैं क्लैरिटी पे। गाइज, अगर आप क्लैरिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर ब्लैक हो गई। हम डेज को ज़्यादा करेंगे तो उससे भी हमारी तस्वीर ब्लैक हो जाएगी और विंटेज से हमारी तस्वीर अराउंडनेस ब्लैक होती है। आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर में चेंजेस। एक प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग मैंने आपको सिखा दिया। तो गाइज, वीडियो पर लाइक तो बनता है, चैनल पर सब्सक्राइब भी बनता है। तो गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उसके बाद आते हैं ऑप्टिक के। आपने ऑप्टिक पे आगे रिमूव क्रोमेटिक ऑपरेशन ऑन कर देनी है, इससे हमारी तस्वीर में जहाँ भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लेंस में आई होगी ये इसे रिमूव कर देगा। जी हाँ गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।